तो दोस्तों पिछले एक दो सालों के अंदर आप सभी ने देखा होगा कि जो रशिया है वो चीन के पाले में काफी ज्यादा खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। जब भी चीन के अंदर कोई बड़ी मीटिंग होती है तो पुतिन पूरी दुनिया को छोड़कर वहां चले जाते हैं, जबकि इन मीटिंग का कोई सार्थक अर्थ भी नहीं होता। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि चाइना रशिया को अपना बहुत ही बड़ा आदि बना चुका है, परंतु रूस और चीन की जिस दोस्ती का दावा पूरी दुनिया के मंचों पर रूस और चीन के राष्ट्रपति करते हैं, उसकी अब पोल खुल चुकी है, क्योंकि रशिया चीन के सामने गुहार लगा रहा है और चाइना है कि रूस के सामने मोल भाव करने में लगा हुआ है। दरअसल स्क्रीन के ऊपर आप सभी देख सकते हो, यह है चाइना रशिया सर्बिया 2 पाइपलाइन, जिसके माध्यम से रशिया चाइना को अपनी गैस बेचना चाहता है, वो भी एक साल में करीब 50 बिलियन क्यूबिक मीटर, क्योंकि रशिया की गैस जो कि सबसे ज्यादा यूरोप में बिकती थी वो अभी नहीं पा रही है। तो व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि अपने इस गैस को चाइना को बेचकर अपने घाटे को बराबर कर लें, परंतु इस प्रोजेक्ट में चीन रशिया के सामने मोल भाव करने में लगा हुआ है और चीन यह चाहता है कि रशिया उसे अपनी गैस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दे। यही नहीं, चीन यह चाहता है कि इस पाइपलाइन को बनाने के लिए जो पूरा खर्चा है वो खुद रूस उठाए और जो भी इसमें जोखिम आए वो रशिया को ही भरना पड़ेगा, बाकी केवल मलाई चीन ही खा जाएगा। अब व्लादिमीर पुतिन यह सोच रहे हैं कि इस पाइपलाइन को बनाने में चीन भी वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, तब जाकर रशिया से सस्ती गैस चीन तक पहुंचेगी, परंतु चाइना इसमें मोल भाव करने में लगा हुआ है, जिससे रूस को अब बिलियंस ऑफ डॉलर का झटका लगने वाला है। फिलहाल में आप सभी को क्या लगता है, और चाइना से झटका खाने के बाद क्या रशिया भारत के पाले में आएगा या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में। फिर आप स्थिति का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।